पूरा सिस्टम खुला पड़ा है, ये आगे का जो होता है कंसोल लगवाया मैंने, ये देख लीजिए आप सीट कवर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, मैं बहुत अच्छा हूँ यार। और पिछली जो अब मैंने सीरीज डाली ऋषिकेश घूमने गया था फ्रेंड्स के साथ, आपने काफ़ी सही प्यार दिया, काफ़ी सही व्यूज आए उस पर। ऐसे ही देखते रहो, और आपको अच्छा लगता है ना प्लीज़ यार लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो। मैं कभी नहीं बोलता, पार्थ बोल देता है, लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो। फिलहाल आज का मैं आपको बता देता हूँ, आज है डेट 4 फरवरी 2022, और आज मैं गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी आप गेस कर लो कौन सी है, मैं आपको जहाँ पहुँचूंगा वहाँ दिखाऊंगा कि कौन सी गाड़ी में जा रहा हूँ। और आपको इतना बता देता हूँ कि अभी मैं इस गाड़ी में थोड़ा काम कराने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा दूसरा बिजनेस भी है, बिजनेस छोटा मोटा ही, ऐसा कुछ नहीं कि थोड़ी गाड़ी एक्सेसरीज उन सब का भी काम करता हूँ मैं। तो अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो मैं नीचे कॉन्टैक्ट लिंक वो सब डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, मेरे काफ़ी कस्टमर्स बायर्स हैं। फिलहाल चलते हैं अभी, आप बने रहिए। और पिछली वीडियो अगर आपको सही लगी हो ना यार, बहुत सही थी, हमने राफ्टिंग करी, क्या सीन था फुल। अगर आपने नई वीडियो देखी ना, मैं यहाँ डाल दूंगा, इधर आ रहा होगा या इधर आ रहा होगा, काफ़ी सही वीडियो थी, मतलब मज़ा आ गया था पूरा। गाड़ी मेरा डीजल कम था यार थोड़ा, तो मैंने कहा थोड़ा डीजल डलवा लेते हैं, फिर ऐसे बंद ना हो जाए कहीं। तो बाकी यार ये देखना छोटा सा पेट्रोल पंप है, दिल्ली क्या कर रहे हो यार, एक कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, जरा सी लाइन है। सो गाइस, सुबह का निकला हुआ था करीब 11 बजे का, और अराउंड 5 बज गए शाम के। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, पहले आपको कैसा दिख रहा होगा और अब कैसा दिख रहा है, एक बार मैं आपको अच्छे से वॉक ओवर दूंगा कि गाड़ी में क्या क्या काम कराया। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पहुँचा हुआ था, ये अपनी जो रिंग रोड है वहाँ पे था, तो अभी घर की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा रास्ते में दिखाया था कि क्या क्या चीज़ें कराई हैं, काफ़ी सही मतलब मॉडिफिकेशन किया, काफ़ी बेसिक सा काम कराया है, काफ़ी सिंपल एंड सोबर, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता नहीं यार लाइट्स एंड ऑल वो सब सिंपल, जो जैसे सीट कवर्स हो गए, मैट्स हो गए, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। तो आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं, ऐसे गिनवा भी दूंगा और प्राइसिंग भी बता दूंगा, तो अगर आपको भी लगवाना हो तो आप लगवा सकते हैं। मैं बताना भूल गया, मैं गया था आपका कश्मीरी गेट की जो मार्केट है, जो होलसेल मार्केट है, जो सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली में फॉर कार एक्सेसरीज। रोलबाग भी है, ये भी है, बड़ी होलसेल है। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेरे यहाँ पे जान पहचान के हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा इसका बिजनेस है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ अपना, जो भी मेरा नंबर है बिजनेस का, ईमेल आईडी सब। अगर आपको भी कुछ ऑर्डर करना हो ऑनलाइन, मैं डिलीवरी सब करता हूँ, तो देख लीजिएगा। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या लगवाया गाड़ी में और कितने प्राइस पे लगवाया। तो गाइस, जो जो चीज़ें मैंने लगवाई है ना, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं, उसके बाद आप देख लेना कि अगर आपको लेना हो कि नहीं लेना। ओहो, क्या सही मौसम हो रहा है यार दिल्ली में। मैंने सीट कवर जो लगवाए वो वाइट आइवरिश कलर में है, काफ़ी सही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि गाड़ी का जो इंटीरियर है वो भी ब्लैक एंड वाइट है, तो वो देख के लगवाना। और मेरे को पड़े वो अराउंड 5000 कुछ के, 5000 के चारों सीट, मतलब आगे के दो और पीछे का एक, फुल बकेट फिट है पूरा, मेरे को सही सेटिस्फेक्शन है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैट्स लगवाए, मैट्स पड़े मेरे को 600 के, उसके नीचे जो मैंने फ्लोरिंग कराई, फ्लोरिंग आई 800 की, 800 के बाद उन्होंने जो लेबर ली वो एक्स्ट्रा थी। और बाकी ये की है, ये महिंद्रा की जो की आती है, थार XUV700 सब में यही की आ रही है, फ्लिप की है एक्चुअली ये, तो काफ़ी सही है। ये कवर भी मैंने वहीं से ही लिया है। और अभी हाँ, अभी एक चीज़ और बतानी रह गई थी मेरे को, स्टीयरिंग कवर भी लगवाना है, जो स्टीयरिंग स्टिच होता है कंपनी स्टाइल में वो भी, और एक चीज़ और थी, गियर लॉक या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे लगवाना है। तो ये दो चीज़ें रह गई हैं, ये दो चीज़ें मैं अभी शाम को या तो जा रहा हूँ या फिर कल लगवाऊँगा, तो वो इस वीडियो में देख लूँगा, आप पूरी वीडियो देख लेना। अगर आपको कुछ भी पार्ट वीडियो में अच्छा लग रहा ना, प्लीज़ यार लाइक दबा देना, प्लीज़ बहुत मोटिवेशन मिलती है यार, लाइक दबा देना। गाइस, ये रही अपनी गाड़ी, और ये रोड है पूरी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। गाड़ी देख लो, ये W6 मॉडल है, और ये आपका गाड़ी का ये है, इसमें अलॉय व्हील्स तो आते नहीं। तो अभी आपको मेन में इसके चेकआउट कराता हूँ, सीट कवर्स, ये चीज़ें, रेन वाइजर हो गया, ये हो गया, ये सारा कंपनी से आया था, ये लगवाया मैंने, ये देख लीजिए आप सीट कवर, पूरी प्रॉपर बकेट फिट है, ये आपका डिज़ाइन है यहाँ पे। अभी आमरेस कंपनी से आना है, मैंने ऑर्डर दे रखा है,
और ये पीछे का है पूरा, ये बैक सीट है और काफ़ी सही डिज़ाइन था। मैंने महिंद्रा की वेबसाइट से ही देखा था तो वो कंपनी में महंगे दे रहे थे, यहाँ पे मेरे को सही रीजनेबल प्राइस में मिल गया। और ये है मैट्स, ये मैट कंपनी से ही आए थे, ये पीछे भी देख लो एक बार, ये कंपनी से मैट्स थे बट मैंने इसके नीचे एक ये वाले मैट्स और इसके नीचे मैंने ये फ्लोरिंग, तो टोटल 3 लेयर हो गई। मैंने इसके नीचे फ्लोरिंग भी करा दिया ताकि अगर कुछ भी गंदगी गिरे तो वो गाड़ी के अंदर, मतलब मैट के ऊपर गिरे, गाड़ी के अंदर ना हो। आइए मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देता हूँ कैसा है। यही मैट्स जो मैं आपको कह रहा था और ये सब चीज़ें हैं। एक बार आप सीट कवर देख लो अच्छे से, पूरा बकेट फिट एंड ऑल सही है। और बस यही था। और मड फ्लैप्स लगवाए थे ये रे, ये मड फ्लैप होते हैं आपके, ये चारों गेट पे लगते हैं। क्या होता है जैसे अगर आप बारिश में जाते हैं तो पानी उड़ता है थोड़ा, तो उस वजह से लगवाए थे ये। बैक टू द अनदर डे, बैक क्या अगला दिन आ गया है। और मैं आया हुआ था, मुझे सर्विस करानी थी गाड़ी की और स्टेयरिंग कवर और गियर लॉक रह गया था, मैंने जैसे आपको बताया था, तो अभी मैं वो कराने आ गया था। वो मैं कराता हूँ सरिता विहार से, सरिता विहार में मेरे एक नोन है, वो काफ़ी जेन्युइन काम और काफ़ी सही रेट पर करते हैं, तो एक बार देख लो। गाड़ी खड़ी है अपनी यहीं और काम स्टार्ट हो रहा है, जस्ट भैया आए थे अभी चेक कर रहे थे। ये जो मैं स्टीयरिंग रैप करा रहा हूँ ना, ये आपका जो कंपनी फिटेड होता है ना OEM स्टाइल, पूरा प्रॉपर स्टिचिंग करके स्टीयरिंग खुलता है, उसके बाद स्टिचिंग होती है, वो काफ़ी सही रहता है और काफ़ी सही फील आती है, तो वो करा रहा हूँ। और गियर लॉक डलवा रहा हूँ ताकि यार सिक्योरिटी रीजंस, आपको पता है डेली में आजकल कितनी चोरियाँ होती हैं, होती रहती हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो बढ़िया काम हो रहा है। अभी जस्ट 1 घंटा लगेगा पूरा, फिर आपको मिलता हूँ मैं। भाई ये है वो जो गियर लॉक है, एक बार देख लो आप, और ये अंदर इसके ऐसे पिन वाला है, यही सही लगता है मेरे को, तो मैंने कहा यार यही लगवा लेते हैं। ये रे भैया लगाएंगे अभी। ये कुछ ऐसी हालत हुई है गाड़ी की, ये है ऑटो कैन का 5 साल की गारंटी वारंटी है, और ये रहा गियर लॉक, पूरा खुल जाता है, ये देखो आप एक बार, पूरा सिस्टम खुला पड़ा है, ये आगे का जो होता है कंसोल, बस हो जाए एक बार जल्दी से फिर करते हैं और निकलते हैं। स्टेयरिंग भी रैप हो गया ऑलमोस्ट, बस यहाँ फिट होना बाकी है, बस हो जाए एक बार फिर चलते हैं, और मैं आपको प्राइसेस बता दूंगा, फिर मिलता हूँ आपसे आगे, ठीक है। गाइस ये स्टीयरिंग खुला पड़ा हमारा यहाँ पे, ये रहा, और ये भैया की शॉप है, एक बार देख लो, सारा सामान अवेलेबल होता है। अब इस पे रैप होगा पूरा, मशीन से होता है ये, कपड़े सब पड़े हैं, आपको जब एक बार तैयार हो जाएगा ना तब दिखाता हूँ मैं। सो गाइस गाड़ी पूरी रेडी हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमने स्टीयरिंग कवर और ये रहा स्टीयरिंग कवर, ये स्टिचिंग देख लो एक बार आप, स्टीयरिंग कवर और ये गियर लॉक लगवाना था, ये रहा गियर लॉक देख लो एक बार, और सारा काम डन हो गया है। गाड़ी भी बिल्कुल सही चल रही है, बढ़िया मज़े आ रहे हैं, लाइट से सही यार, सही लाइट से वाइट वाली काफ़ी सही रोशनी कर देती है। मैंने सिर्फ आगे की 2 जलाई हुई हैं और अभी तक इतनी रोशनी है, और सीट कवर देख लो आप एक बार, काफ़ी सही लग रहे हैं। और अभी रात हो गई आते हुए, मेरे को आइडिया नहीं था कि सुबह के निकले हुए राहत हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात इस गाड़ी की बताओ यार, इसमें 300 Nm का टॉर्क मिलता है, 300 Nm, और जो ये भागती है गोली की तरह ना, मतलब मज़ा आता है सीरियसली। आप भगाना ना भी चाहोगे तब भी आपको कहेगी हाँ भाई भगा मुझे, तो ऐसा सीन है इस गाड़ी का, काफ़ी सही है। और गाइस आपने काफ़ी सही व्यूज़ दिए, काफ़ी सही प्यार दिया आपने, जो मनाली सीरीज थी, ऋषिकेश सीरीज थी, काफ़ी सही था। अगर आपने ऋषिकेश वीडियो नहीं देखी ना, काफ़ी फन पार्ट हुआ, फन क्या बहुत सीरियस भी था, तो वो जाके आप ज़रूर देखना, मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और ऋषिकेश वाला, मनाली वाला, हमने अभी रिसेंटली 2-3 ट्रिप्स करी और काफ़ी सही फन ट्रिप थी। अब भी हम एक और ट्रिप पे जा रहे हैं, उसके व्लॉग्स आपके पास आने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, हम जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, और तो आप गेस करते रहे अब हम कहाँ जा रहे होंगे घूमने, और कितने फन और क्या सब, और सब कज़न एंड ऑल सब जा रहे हैं। चलो ये मैं आपको चलो बता दिए, कुछ नहीं होता, बट काफ़ी फन ट्रिप होगी, तो पूरी वीडियोस देखते रहना और सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब का बटन बहुत फ्री का आपके लिए, तो दबा दो बस टंग। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आपको सिर्फ 2-3 काम करने हैं, लाइक,
कमेंट शेयर यार आप कर नहीं रहे हो बिल्कुल भी, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत लोग ऐसे मैंने देखा है वो वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज सब्सक्राइब करो, मैं ऐसा कंटेंट अब रेगुलरली डाल रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है मैं डाल रहा हूँ। तो ये वीडियो थी अबाउट द बजट मॉडिफिकेशन फॉर XUV 300 जो कि मेरे फ्रेंड की कार थी। काफ़ी सही, मतलब काफ़ी सही कार है, अगर आपको भी लेनी हो तो टेस्ट ड्राइव लेके देख सकते हो, और मॉडिफिकेशंस अगर आपको अच्छी लगी हो। मैंने सिंपल एंड सोबर ज़्यादा कुछ काम करवाया नहीं, वो भी बजट के अंडर था, बजट ऐसे ठीक ठाक था। तो अगर आपको कुछ नॉलेज गेन हुई या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर ज़रूर। और कुछ भी अगर आपको लेना हो तो मैंने सब चीज़ें डिटेल्स में डाल दी, बाकी अगर कुछ और रह गया तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं उसका आंसर इमीडिएटली कर देता हूँ, तो आपको हेल्प मिल जाती है। ओके गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।